बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्बास, अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ। और आपके लिए फिज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 12 स्फेरिकल मिरर सिमतल का एक नई वीडियो लेकर आया हूं। तो आए चले अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ होलोस्फियर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। कोई मिरर हो, वो किसी स्फीयर का हिस्सा हो, उसकी अंदर वाली या बाहर वाली सतह रिफ्लेक्टिंग हो, तो ऐसे मिरर को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। डायग्राम के अंदर आपको कुछ नज़र आ रहा है। पहले हम डिफाइन करते हैं कनकेव मिरर को। अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कनकेव मिरर। अगर किसी स्फेरिकल मिरर की अंदर वाली सतह जो कर्व्ड होती है वो रिफ्लेक्टिंग हो, तो ऐसे मिरर को कनकेव मिरर कहते हैं। डायग्राम के अंदर ये जो वाइट सतह है, सफ़ेद सतह है, ये रिफ्लेक्टिंग दिखा दी है। कन्वेक्स मिरर क्या है। अस्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। अस्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, ऐसा मिरर जिसकी बाहर वाली जो कर्व्ड सरफेस होती है, कर्व्ड सतह होती है, वो रिफ्लेक्टिंग होती है, उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो अब हम मिरर से मुतल्लिका कन्वेक्स है या कनकेव है मुख्तलिफ टर्म्स को डिफाइन करेंगे डायग्राम की मदद से। आपको डायग्राम बनी नज़र आ रही है। सबसे पहली डेफिनेशन जो हम करने जा रहे हैं वो है पोल की। तो दोनों मिरर्स के अंदर दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं। ये कनकेव मिरर है, अंदर वाली सतह रिफ्लेक्टिंग है। ये कन्वेक्स मिरर है, बाहर वाली सतह रिफ्लेक्टिंग है। मिरर को MM डैश से ज़ाहर कर दिया गया है। तो दोनों डायग्राम के अंदर देखें तो आपको एक पॉइंट P लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो कि कर्व्ड सरफेस का मिड पॉइंट है। तो फिर हम पोल को यूं डिफाइन करते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, और इसको पी से ज़ाहर किया जाता है। दूसरी हमारी डेफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देख रहे हैं कि दोनों मिरर कर्व्ड हैं और कर्व हिस्सा होती है किसी स्फीयर का, उस स्फीयर का कोई सेंटर भी होता है। तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा होता है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसको सी से ज़ाहर करते हैं। द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच अ स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता चल गया हमें, पोल का पता चल गया हमें। तो हर एक सर्कल का, हर एक होलोस्फीयर का एक रेडियस होता है। चूँकि ये स्फेरिकल मिरर स्फीयर का हिस्सा है, उस स्फीयर का रेडियस भी होगा, जो रेडियस उस स्फीयर का होगा वही रेडियस स्फेरिकल मिरर का भी होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी और सीता का जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और आर कैपिटल आर से जाहिर करते हैं। चौथी डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं जो पोल से चलती है, सेंटर से होके गुजरती है, फिर दूसरे मिरर के पोल से और फिर सेंटर की तरफ जाती है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। आगे है प्रिंसिपल फोकस। फोकस आप दोनों मिरर्स के अंदर देख रहे हैं, कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में। कनकेव मिरर में
रेज जो पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती हैं, और कन्वेक्स मिरर में वो पैरेलल रेज जब आती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन एक पॉइंट से निकलती हुई महसूस होती हैं, वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। एक और बात बताता चलूं, कन्वेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है, क्योंकि ये लाइट की पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है, क्योंकि ये लाइट की पैरेलल रेज को मुख्तलिफ डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देता है। अब चलते हैं फोकल लेंथ की तरफ, दो डेफिनेशन बताता हूँ। द पैरेलल बीम ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस एट अ पॉइंट एफ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर पी सी, द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो कॉल्ड फोकल लेंथ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान वाला जो टोटल डिस्टेंस है इसका हाफ कर दे तो भी फोकल लेंथ आ जाती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, फोकस रियल होगा या वर्चुअल होगा, अगर तो रेज रियली इकट्ठी होती हैं एक पॉइंट पे जिसको फोकस कहते हैं, जैसा कि कनकेव मिरर में नज़र आ रहा है, तो ऐसे फोकस को रियल फोकस कहते हैं और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ करती है। और अगर रेज रियली इकट्ठी ना हो बल्कि डाइवर्ज हो जाए, जब उनको पीछे बढ़ाया जाए तो एक पॉइंट से निकलती हुई आए, तो फिर वो पॉइंट फोकस कहलाता है, लेकिन वो रियल नहीं होता, वो वर्चुअल फोकस होता है, और उस की फोकल लेंथ को नेगेटिव यानी माइनस के साइन से जाहिर करते हैं, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।